आज हमारे चैनल के 50,000 व्यूज भी कंप्लीट हुए हैं। होंगे? इसका नाड़ा लटक है, उसकी मां मटक है। साइकिल रोज चला रहे थे। एक घर वाला कैमरे के पीछे है, एक घर वाला कैमरे के आगे है। ये देखो सनराइज होते हुए कितना अलग ही माहौल होता है। गांव की सुबह एक सुगंधित, एक अलग ही वाइब्स लेके आती है। मतलब आप हर चीज़ को देखोगे, आप महसूस करोगे। ऊपर आया हूँ अपने छत पे, लगाने आया हूँ मैं थोड़े से प्लांट्स को। आप लोगों को पता ही है कि मुझे थोड़ा सा शौक है अच्छे से पौधे लगाने का। और ये जो हम लोगों ने तैयारी की हुई है, इसमें हम लोगों का जो वेस्ट, जो भी था वेस्ट, उसको हमने मिट्टी में लाके कर दिया है। तो इससे क्या, मैं इसमें पौधे लगाऊंगा। सनराइज लेते हुए मैंने सारे काम निपटा लिए। घर पे छत पे झाड़ू भी लगा दी थी, टाइम लैप्स भी ले लिया और ये पौधों को भी लगा दिया। देखो ये टाइम मैनेजमेंट है और ये मुझे बहुत पसंद है अपने आप में कि मैं सब टाइम मैनेज कर लेता हूँ। छत भी देखो कितनी अच्छी हो गई है, छत की सफाई होके देखो ये इतनी सही लग रही है ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ कि कैसे कितनी अच्छी लग रही है यहाँ से। मेरे साथ में मुझे बता रही हो तो वही इस पौधे को लगा देते हैं। अब हम जहाँ पे मैंने ये गोल लगाया हुआ था पौधा, तो ये तो अच्छा चला। अब ये दूसरा पौधा आ गया, देखो कितनी अच्छी वाइब देता है। यहाँ वाइब भी अच्छी आती है। ये क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर इसके पीछे है तो सनलाइट अभी भी आती है तो इनहेंस होता है, इसका कलर भी अच्छा होता है। इवनिंग में चाय पीनी हूँ बैठ के देखा हूँ। और यहाँ पे पास फोटो खींचने के लिए भी हो सकती है जगह अच्छी सी। ये देखो अच्छी आ रही है ना, पापा को लेके आओ। बहुत बढ़िया, ये अच्छी वाइब्स आ रही है। बस अब आगे दिन चल रहे हैं, ठीक है। क्या बना रही होंगी? आलू गोभी, पराठे। आलू गोभी पराठे बन रहे हैं और बढ़िया। सर्दी की वो तो मेहमान आ गए हैं ना, हम मेहमान आ गए इन्हीं घर में तो बन गए गोभी। वरना गोभी जब तक महंगी रहती है ना तो बनाते नहीं घर वाले। नाड़ा जिसका नाड़ा लटक है, उसकी माँ मटक है। जिसका नाड़ा लटक है, उसकी माँ मटक है। आज हमारे चैनल के 50,000 व्यूज भी कंप्लीट हुए हैं। होंगे? मेरी मम्मी पकड़ पकड़ के करवाती है। 50,000 होंगे? 50,000 व्यूज कंप्लीट हो गए आज हमारे चैनल के। तो मैंने बताया था मम्मी को, भाई बहुत बड़ी मेहनत है, सबकी मेहनत होती है। और मेरे घर वाले तो पूरे मेरे एक घर वाला कैमरे के पीछे है, एक घर वाला कैमरे के आगे है। ये फ्लिपकार्ट का हैम्पर आया था, कल आया था, मैंने घर के लिए मंगवाया था और ये सही टाइम पे डिलीवर हुआ। इसलिए क्या है, व्लॉग में भी आ जाएगा, अगर मैं उधर रहता तो व्लॉग में ना डाल पाता। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देख। ये मैंने ऐसा कुछ मंगवाया था और ये बड़ा प्यारा लग रहा है। और देखियो मम्मी, हाँ बेटा, हाँ? ये क्या, ये क्या, इसे लगा के हाँ? इसमें चाबी वाबी टांग दो या अच्छा, कुछ अच्छा, ऐसा कुछ टांग दो। यहाँ ऊपर मोबाइल रख लो अच्छा। मतलब सब हो जाएगा इसमें। ओम भी बना हुआ, स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ अच्छा। भगवान का नाम भी हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो ये हमारे बब्बा जी हैं और मैं बताऊँ आपको, इनकी 85 साल की आयु है। और ये देखो इतने फिट हैं, अभी साइकिल से आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आए हैं, साइकिल से आए हैं। तो मैं बब्बा जी से पूछ रहा था कि भाई बताओ आपका फिट रहने का राज क्या है। कोई भी दुर्व्यसन मेरे अंदर नहीं है और जल्दी सो जाता हूँ। 9 बजे तक सो जाते हो? सुबह 4 बजे हो जाता हूँ प्रातः काल। प्रभु का सुमरण करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ और फिर मैं आर्य समाज मंदिर में चला जाता हूँ। वहां से जाकर के 1 घंटा योगा करते हैं। ये योगा हो गया, भगवान की प्रार्थना, ये संस्कार, योग व्यायाम से आप लंबी उम्र तक जी सकते हो। मतलब मेहनत से जिए, मेहनत की, बाबा जी के साथ की है हमारे। वो मैं 2 साल की छोट बढ़ाई,
वो मेरे से बड़े थे जी 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 यही लोग चाला जी जी तो ऐसा हुआ एक दफे एक अमीन के साथ एक नोट सो कर जा देता जी वो जब आया बैंक में से रुपया जमा करके जी तो उसने कहा भाई तेरे उसमें उसमें पैसों में एक नोट सौ का फर्क हुआ गया जी है नहीं अच्छा नहीं बब्बा जी ने कहा हाँ उसका सौ का नोट पकड़ा तो इतने ईमानदार ईमानदार थे और उस टाइम पे सौ का नोट कितने वैल्यू रखे था बहुत मायने थे बाबू तो ईमानदारी की वजह से ही है बराबर था जी 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 लोग लगाया हुआ था बब्बे जी की साइकिल है देखो इसी से आए कितने किलोमीटर चल गए बब्बा जी इससे 5-6 किलोमीटर हो गया 6 किलोमीटर करिए पड़ा है जानते 6 किलोमीटर जब तो 50 किलोमीटर रोज चला मैं साइकिल रोज चला मैं थे 98 में रिटायर हो गया अच्छा अच्छा 25 साल हो गए रिटायर और जब भी तुम्हारे बाबा जी हो गए रिटायर ये देखो ये फिटनेस का राज है यार अगर आप लोगों ने स्वस्थ रहना है तो ये मेन काम है ठीक है राम राम भाई मैंने गेट खोल के देखा अपना और ये देखो क्यूटनेस ये खड़े हुए हैं अब मैं घबरा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ मैंने इसको रोटी देनी शुरू की है यहीं पे आ जाया करेंगे क्योंकि ये नहीं भूलता है कि कौन अपना है कौन पराया और एक बार रोटी दी फिर मम्मी को परेशान ना किया करे पर कोई घर पे आए हैं तो रोटी तो जरूर देंगे नमस्कार आप सभी लोगों को YouTube क्रिएटर से मेल आया कि हमारे चैनल ने आज कंप्लीट कर लिए हैं 50,000 व्यूज़ ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरीके से कैसे हुआ बस ये हो गया और ये आप सब लोगों की बदौलत हुआ है जो भी मेरे चैनल पे जाते हैं जो मुझे देखते हैं जो प्यार करते हैं जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपने किसी ने भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए थैंक यू